आज जो हम वीडियो बना रहे हैं फोर्ड फ्री स्टाइल के बारे में, जो कि इंडिया का फास्ट SUV है, मतलब कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल, जो कि एक हैचबैक और SUV के बराबर के बीच में का गाड़ी है। इसको SUV इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका वो 190 है, इसलिए इसको SUV बोला जाता है, कॉम्पैक्ट यूटिलिटी व्हीकल है। पहले मैं फोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। फोर्ड जो है वो 113 ईयर्स कंपनी है, जो कि 1903 से इन्वेंटेड हुआ था। हेनरी फोर्ड इसका फाउंडर है और इस स्पेशली जो फ्री स्टाइल गाड़ी बना हुआ है वो एक SUV के बेसमेंट के ऊपर बना हुआ है। आप देख सकते हैं उसका जो आपका जो विंडशील्ड है वो बहुत लार्ज है। आपको जब ड्राइविंग करेंगे लॉन्ग ड्राइव पर आपको बहुत इजी फील आएगा ड्राइविंग के वक्त पर। और इसका जो डिज़ाइन देख रहे हैं वो एरोडायनेमिक शेप है, जो कि एयर आपका ऑब्स्ट्रगल नहीं होगा, एयर इजीली पास हो जाएगा। एयर इजीली पास होने से गाड़ी का स्टेबल रहेगा, माइलेज भी अच्छा रहेगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ग्रिल के बारे में, इसमें सेलुलर ग्रिल दिया गया है, प्रीमियम हनीकॉम सेलुलर ग्रिल दिया गया है। इसका इंजन का ब्रीदिंग सिस्टम और अच्छा आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आउटसाइड डिज़ाइन के बारे में, क्लैडिंग दिया गया है। ये क्लैडिंग एक सेफ्टी है, तो गाड़ी सिटी के अंदर चलाएंगे तो ये बम्पर तक नहीं आएगा स्क्रैचेस, क्लैडिंग तक रह जाएगा। और ये जो आपको देख रहे हैं व्हील साइज देख रहे हैं वो 15 के हिसाब से दिया गया है, R15 है। और इसका जो टायर प्रोफाइल है 185/60 R15 है। इसका जो डिकी स्पेस है वो 257 लीटर का डिकी स्पेस है। आप देख सकते हैं ये भी मैट जो कि कंपनी ने दे रखा है आपके लिए, आपको परचेस भी नहीं करना पड़ेगा, कंपनी के साइड से आता है आपको फ्री स्टाइल का मैट। आपकी डिकी स्पेस नीचे भी थोड़ा स्पेस रहता है, इतना स्पेस आपको 2-3 अटैच आराम से आ जाएगा। और इसको आप फोल्डेबल भी कर सकते हैं, 100% फोल्डेबल भी कर सकते हैं। ये आपका पूरा स्पेस आ जाएगा, मान लीजिए कुछ यूज करना है आपको। एक्चुअली इस गाड़ी में मैं आपको रियर सीट के बारे में देखना चाहता हूँ। पहले मैं आगे का जो सीट है मैं आपको कम्फर्टेबल में बैठ कर दिखा देता हूँ। ये मेरा कम्फर्टेबल है, मेरा जो हाइट है वो 5'8" है, तो मैं ये कंफर्टेबल में बैठ रहा हूँ। फिर मैं पीछे का सीट आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको पहले बोला था जो कि 2490 mm व्हील बेस है, आप देख सकते हैं कितना mm का डिफरेंस है, जो कि नी स्पेस। और अगर 6 फुट का बंदा बैठेगा तो भी उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हेडरूम भी रहेगा, ज़्यादा हेडरूम रहेगा क्योंकि उसका हाइट है 1525 रहेगा, हाइट mm रहेगा, तो हेडरूम भी रहेगा आपका ज़्यादा। और 3 जन भी आराम से बैठ सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना स्पेस है गाड़ी में, क्योंकि आपके आराम से बैठ सकते हैं 3 जन। और इस गाड़ी में एक्चुअली जो कि USP यूनिक सेलिंग पॉइंट है, पहला मैं बता देता हूँ आपको, ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 190 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है। हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से आपका ड्राइविंग कम्फर्ट और भी अच्छा आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके सस्पेंशन के बारे में, इसका जो सस्पेंशन है MC Pearson विथ सेमी इंडिपेंडेंट, जो कि आपका जो सस्पेंशन का वेरिएबल रहेगा, आपका कम्फर्ट वेरिएबल रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका व्हील बेस, इस गाड़ी का व्हील बेस है 2490, क्योंकि सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट व्हील बेस है। जो गाड़ी में जितना व्हील बेस आएगा वो गाड़ी में इंटीरियर स्पेस भी ज़्यादा आएगा और स्टेबल भी रहेगा। और मैं गाड़ी के अंदर आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। इस गाड़ी में एक्चुअली सेफ्टी फीचर है आपका, HLA हिलन्स असिस्टेंट, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, और आपका ARP जो कि सेगमेंट में बिल्कुल नया है, जो कि एक्टिव रोलओवर प्रिवेंशन, जो कि गाड़ी अगर कुछ मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ कलिजन होता है, तो गाड़ी पलटी नहीं खाएगा और इसका जो टॉर्क है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो कि इसका सेफ्टी के लिए बहुत मेन फीचर है, जो कि सेगमेंट में बिल्कुल नया है और इस सिर्फ फ्री स्टाइल में ही फीचर दिया गया है। इसका नाम है ARP एक्टिव रोलओवर प्रिवेंशन। और बाकी गाड़ियों की जैसा इस गाड़ियों में मतलब आपका जो स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, सींग टेक्नोलॉजी, जो कि फोर्ड फ्री स्टाइल में देखिए हर गाड़ियों में तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, लेकिन इसका खासियत है एक सींग है, जो कि Sync 3 वर्सन दिया गया है और जिसके साथ माइक्रोसॉफ्ट का कनेक्टिविटी है। और एक बार अगर आप फ़ोन पेयर कर देंगे उसके बाद थ्रू वॉइस कमांड गाड़ी का ऑपरेशन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है महेश, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कॉल टू महेश ऑटोमेटिक कॉल चला जाएगा, प्ले म्यूज़िक प्ले हो जाएगा, ये सारी फीचर है। और इस स्पेसिफिकली फ्री स्टाइल में सारे एसेसरी कंपनी ने लोड करके कस्टमर को डायरेक्ट टू कस्टमर भेज रहा है, जो कि डीलरशिप में आपको एसेसरी नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे आपका रूफ रेल, आपका रिवर्स सेंसर, कैमरा, नेविगेशन, ये सब इनबिल्ट आ रहा है। और जो मैं आपको बता रहा था कैमरा के बारे में, आपका एक कैमरा इधर दे रहा है और सेंसर दे रहा है, 1, 2, 3, 4 सेंसर दे रहा है। और बम्पर को भी इसे डिज़ाइन करके दिया गया है जैसे आपको सेफ्टी के लिए रहेगा,
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें भी एक जो दिया गया है स्क्रैच रेजिस्टेंस, मान लीजिए इसको स्क्रैच हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। और इसका जो मिरर है वो भी ऑटो फोल्डेबल आ रहा है, इधर अब इधर से ऑटो फोल्डेबल कर सकते हैं। एक्चुअली फ्री स्टाइल का 3 DNA है, जिसको हम बोलते हैं कूल कैपेबल कनेक्टेड बोलते हैं। कूल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो आपका रोबस्ट लुकिंग और आपका हॉनीकॉम ग्रिल और इसका और आपका देख रहे हैं जो भी डिज़ाइन है एरोडायनामिक से कैपेबल, जो इसको बोलते हैं इसके इंजन के बारे में हम कैपेबल बोलते हैं। पहला है इसका पेट्रोल इंजन में 1.2 लीटर में 96 PS पावर आ रहा है विथ न्यूटन मीटर 120 टॉर्क आ रहा है। और इसका जो डीजल इंजन है वो डीजल इंजन 1.5 लीटर में 100 PS पावर के साथ 215 का टॉर्क आ रहा है, जो कि सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट आपका पावर है। और इसका जो पेट्रोल का इंजन है वो आपका ड्रैगन इंजन है, जो कि 1.2 लीटर में 3 सिलेंडर का इंजन आ रहा है। आजकल भी जितना भी आपका 4 सिलेंडर का इंजन है उससे ज़्यादा प्योरीफायर इंजन है ये 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि हमारा फोर्ड इकोस्पोर्ट में भी है, जो कि लगभग 2 साल के लिए वो भी सक्सेस हो गया है। फ्री स्टाइल में कंपनी ने डाला है, जो भी अभी तक 1 साल हो गया वो सक्सेस है मार्केट में। हमें फ्री स्टाइल की जो सेफ्टी के बारे में बताना चाहता हूँ, आजकल तो स्टैंडर्ड हो गया, जो कि ABS EBD के बारे में आपको पता होगा, सब गाड़ियों में स्टैंडर्ड है। इसमें मैंने एक बताया था आपको ARP एक्टिव रोलओवर प्रिवेंशन, और आपका इसमें 3 फीचर आ रहा है जो कि लगभग नॉर्मली ऑटोमेटिक गाड़ी में आता है, हिल लंच असिस्टेंस, ट्रैक्शन कंट्रोल, लेकिन ये फ्री स्टाइल में टाइटेनियम एंड टाइटेनियम प्लस मॉडल से शुरू हो जाता है वो वाला फीचर, हिल लंच असिस्टेंट। हिल लंच असिस्टेंट ये क्या फीचर है मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी गाड़ी मतलब मान लीजिए आपका ऑफ पोजिशन में गाड़ी है और इसमें आप जो क्लच से आपका ब्रेक तक 3 सेकंड आपको होल्ड करेगा गाड़ी विदाउट आपका जो ये रह गया आपका पार्किंग ब्रेक और ब्रेक, 3 सेकंड गाड़ी को होल्ड करेगा ऑफ सिचुएशन में, जो कि आपको इजी टू ड्राइव हो जाएगा, गाड़ी पीछे नहीं आएगा। और इसमें एक ट्रैक्शन कंट्रोल है, जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल TCS सिस्टम है। उसमें क्या फीचर है, मान लीजिए आपका गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, गाड़ी का हाई स्पीड है, अगर पैनिक ब्रेक उधर लगाते हैं पैनिक ब्रेक, तो गाड़ी का जो चारों पहिए गाड़ी का वो स्किड नहीं करेगा, वो सस्टेन होकर रहेगा, रोड के ऊपर रहेगा, इधर उधर नहीं होगा, वो ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम है। और एयरबैग हमारा बेस मॉडल से शुरू हो जाता है, एयरबैग शुरू हो जाता है, क्योंकि 2 एयरबैग स्टैंडर्ड है और हमारा टाइटेनियम प्लस में 6 एयरबैग है, क्योंकि एक सेगमेंट में पहले हाईएस्ट था, अभी कुछ कंपनी ने 6 एयरबैग दे रखा है। और इसके साथ है आपका जो Sync 3 मैंने आपको बताया था, उसमें साथ एक इमरजेंसी असिस्टेंट है, मान लीजिए गाड़ी आपका कुछ कॉलिजन हो गया, आप अनेबल है, जो भी पैसेंजर अंदर में थे वो अनेबल है कुछ करने के लिए, तो गाड़ी का जो आपका जो GPS के साथ वो कनेक्टिविटी रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपको 108 और 100 को कॉल ऑटोमेटिकली GPS लोकेशन के साथ वो कॉल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी का लोकेशन कहाँ पर है वो उनके पास इंफॉर्मेशन जा सकता है।